बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, यानु खुश आमदीद दोस्तों। मैं हूँ आपका अपना भाई जायद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैद चांडे व्लॉग। दोस्तों, आज आपके लिए शदीद सर्दी, धुंध, बर्फबारी, बारिशें हो रही हैं, तो इन दिनों में ना दोस्त अहबाब परेशान है कि तितरों को ऐसी क्या चीज़ दें कि तितर जो है ना सर्दी से महफूज रहे और तितर जो है ना ज़्यादा गर्म भी ना हो और ज़्यादा तितर को सर्दी वगैरह भी ना लगे। तो बहुत ज़बरदस्त और ख़ास वीडियो होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जो भी नई और मालूमती वीडियो है आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुँचती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे देख सर्दी की शिद्दत जो है आप देख रहे हैं कि पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, कुछ कुछ इलाकों में बर्फ़बारी हो रही है। तो इन दिनों में ना कोई ज़्यादा ही एहतियात जैसे हम अपने बच्चों का करते हैं, तितर हो गया और जिसके पास जो भी परिंदा है, कबूतर हैं, बजीज हैं, जो भी चीज़ है, पैरेट हैं, तो उसका भी इस तरह एहतियात करना होता है और कुछ चीज़ें देनी होती हैं। इन दिनों में ख़ास तौर पे अगर आप गुड़ खिला दें अपने तितर को अंडे के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी, ठीक है। कोशिश करें कि ना जैसे हम सर्दियों में खुद गर्म देसी घी वगैरह वाली रोटी बना के, गुड़ वगैरह बना के खाते हैं अपने परिंदों को, वो बना के दें। इसका तरीका ये है कि एक छोटी सी रोटी बनवा लें, ठीक है, उसकी दो साइडें अलहदा अलहदा हों, जैसे दो रोटियां हों। एक रोटी आप तवे पे डाल दें, उसके ऊपर थोड़ा सा गोल डाल दें, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा और, यानी कि दो साइड बना के उसके ऊपर डाल दें, ठीक है। बस इतनी हो, यानी कि एक जितना होता है, एक प्याले जितनी हो, ज़्यादा बड़ी आप ना बनाएं, अपने परिंदे के मुताबिक बनाएं। फिर उसको उतार के उसको दरमियान से, यानी कि सुराख निकाल के, देसी घी है, मक्खन है, आप उसमें डालें, फिर उसको ना हाथों से मिक्स करें, ठीक है, जैसे हम चूरी वगैरह बनाते हैं वैसे बना लें, देसी घी को ज़्यादा क्वांटिटी में, और फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके आप परिंदे की कुप्पी में डाल दें, ठीक है। इससे ये होगा, चाहे दुनिया जहान में ना जितनी सर्दी हो, बर्फ़बारी भी हो रही हो ना, अगर ये वाली खुराक आप अपने परिंदे को देते हैं तो आपका परिंदा सर्दी से लड़ने के काबिल हो जाएगा और आपके परिंदे को कुछ नहीं होगा। तो हम ये जो चीज़ें हम अपने खुद छोटे छोटे बच्चे, मेरे बच्चे हैं, हम उनको आजकल जो सर्दी चल रही है हम खुद यही बना के खिला रहे हैं, हम खुद भी यही चीज़ खा रहे हैं, तो इसमें बेशुमार फ़ायदे हैं। और उसके अलावा आप अंडा लाजमी इस्तेमाल करें, अंडे की जर्दी दे दें, बहुत ही ज़बरदस्त है। और उसके अलावा गुड़ के जो है ना टुकड़े टुकड़े थोड़े से ब्रीक ब्रीक करके वो भी कुप्पी में डाल दें, परिंदा खुद ब खुद खाएगा जब परिंदा भूखा होगा। तो कोशिश किया करें कि परिंदे को आजकल ना ये वाली चीज़ें दें जिससे जो है ना आपको फ़ायदा भी मिले। दूसरी जो खुराकें आप दे रहे हैं ताकत तवानाई वाली, उनमें कुछ गुरेज कर दें, ठीक है, पानी वगैरह बिल्कुल बंद कर दें 2-3 दिन के लिए, क्योंकि बर्फ़बारी हो रही है और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। इन दिनों में पानी देना बहुत नुकसानदायक होता है, ठीक है, ये वाली चीज़ दें, इंशाल्लाह आपका परिंदा जो है सर्दी से महफूज रहेगा और आपको आने वाले सीज़न में भी अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि ये वाली खुराक बहुत ज़्यादा गर्म है और परिंदा बिल्कुल फिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की मालूमती और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आप तमाम दोस्तों भाइयों की खिदमत में हाजिर होता रहता हूँ। तो यार आपका भी हक बनता है, आप हमारी सपोर्ट कर दिया करें। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल की वीडियो आए आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखना। वस्सलाम।